नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज एक बहुत बड़ी सियासी खबर, और वो बड़ी सियासी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत का जाना तय हो गया है। 4 महीने में दूसरी बार राज्य में मुख्यमंत्री बदला जाएगा। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तीरथ सिंह रावत को केंद्रीय नेतृत्व ने इस्तीफा देने के आदेश दे दिए हैं। कह दिया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और जल्दी उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और उन्हीं में से एक को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कुछ देर पहले देहरादून लौट गए हैं। आज उनकी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और उसी के बाद ये साफ हो गया कि तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। उत्तराखंड पहुंचते ही वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। आलाकमान ने उनको कह दिया है कि वो अपना इस्तीफा दे दें। संवैधानिक संकट का हवाला दिया गया है क्योंकि 6 महीने के भीतर उनको विधानसभा की सदस्यता लेनी है, लेकिन चुनाव क्योंकि इस समय मुमकिन नहीं है और शायद इसीलिए उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, तो रावत को बीजेपी के आलाकमान ने बता दिया है। तो हम अपने रिपोर्टर से बात करें, उससे पहले आपको वो कारण समझाते हैं जिसकी वजह से तीरथ सिंह रावत का पत्ता साफ होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले उपचुनाव नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ये एक बड़ी वजह बनी है। अगले साल जनवरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा और तब तक तीरथ सिंह रावत क्योंकि विधानसभा की सदस्यता नहीं लेंगे, तो दिक्कत तीरथ सिंह रावत अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री बनाए गए थे और 10 सितंबर तक ही तीरथ मुख्यमंत्री रह सकते थे। महीने से पहले ही पार्टी ने बदलने का प्लान बनाया। संवैधानिक कारणों का हवाला देकर तीरथ रावत को हटाया जा रहा है। वैसे मुख्यमंत्री रहने के दौरान कई विवादित बयान भी तीरथ रावत ने दिए हैं। लड़कियों की जींस पर दिए बयान से उनकी काफी किरकिरी भी हुई थी और उसके बाद अब ये एक बड़ा फैसला आला कमान के द्वारा लिया गया है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। नीरज, हालांकि ये सुगबुगाहट बहुत पहले से ही थी कि तीरथ रावत इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब यही है कि वो आज अगर इस्तीफा अपना गवर्नर को सौंप देंगे, क्योंकि देहरादून वो पहुंचेंगे और शायद उन्होंने समय मांगा है गवर्नर से मिलने का, तो अब अगला चेहरा कौन? देखिए, अभी अगला चेहरा विधायक दल की बैठक में तय होगा, लेकिन निश्चित रूप में जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है शोभना, उससे एक बात तो साफ है कि तीरथ सिंह रावत के लिए आज की रात बहुत भारी होने वाली है, यानी कि मुश्किलें तय हैं। उनके उनके नाम पर जिस तरह से एक सहमत पहले बनी थी, लेकिन संवैधानिक जो अड़चने इतनी जबरदस्त है कि उसके अनुसार एक बात साफ है कि तीरथ सिंह रावत को 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य होना चाहिए था, लेकिन वो स्थिति बन नहीं रही, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अब तीरथ सिंह रावत का जाना लगभग तय हो चुका है। तो अब देखना ये होगा कि कल कौन बनता है, ये कब राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, कितने बजे का समय मिलता है, कब जाके इस्तीफा देते हैं और कब एक नया चेहरा तय होता है। लेकिन विधायक दल की बैठक में ही वो नया नाम तय होगा और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए विधानसभा का कोई सदस्य ही अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जी जी, नीरज पांडे आप बने रहिए और मेरे साथ अब एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल जुड़ गए हैं। रोहित सावल, ये एक घटनाक्रम में जिसे कहा जाए बहुत तेजी के साथ ये घटनाक्रम आगे बढ़ा है और अब तीरथ रावत का इस्तीफा, क्योंकि मांग लिया गया है तो इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन क्या बीजेपी के लिए इस स्थिति को आप फायदेमंद देखते हैं आने वाले चुनाव में, और इसी को देखते हुए आलाकमान ने ये फैसला लिया है? देखिए शोभना, अगर बीजेपी के लिए फायदे की बात की अगर आप बात करें तो देखिए फायदा तो अभी फिलहाल कहीं नहीं दिखता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा एक और मौका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस को मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से तैयारी कर रही है, हरीश रावत को कमान देने की तैयारी हो रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ की अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी की तरफ से अब ये तो लगभग तय है कि तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देंगे और 111 दिन ही वो अपने मुख्यमंत्री, अभी तक 111 दिन उनको हो चुके हैं मुख्यमंत्री बने हुए। इस दौरान भी बीच में कोरोना की लहर आई, खुद वो कोरोना संक्रमित हुए, तो बहुत ज़्यादा काम करने का वक्त उनको नहीं मिला तीरथ सिंह रावत को। आपने वजह गिनाई कि ठीक है उन्होंने कई तरह की विवादास्पद बयानबाजी की, लेकिन इसके इतर जो बड़ी बात है, जो भी वजह आलाकमान दे रहा है, जो सूत्र लगातार हमारे बता रहे हैं कि संवैधानिक संकट की स्थिति से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया।
फैसला भले ही संवैधानिक संकट की स्थिति को देखते हुए लिया गया हो, लेकिन जो मौजूदा स्थिति उत्तराखंड में है, एक एंटी इनकम्बेंसी की जो स्थिति उत्तराखंड में है, तो चेहरा बदलने से वो एंटी इनकम्बेंसी रातों रात बदल जाएगी? देखिए, ये तो नामुमकिन सी बात दिखती है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब जो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई है जरूर शोभना, और उसके लिए भी कई नाम अभी सामने आ गए हैं। और अभी जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है वो ये कि विधायक दल की बैठक होगी, और विधायक दल की बैठक में मुमकिन यही है कि जैसे अभी तीरथ सिंह रावत सांसद थे तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन इस बार विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए रोहित हमारे साथ, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप भट्ट जी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जैसा कि एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल कह रहे हैं कि कांग्रेस को बीजेपी ने बैठे बिठाए मौका दे दिया है, तो क्या इस मौके पर चौका मारने की तैयारी में है अब कांग्रेस? क्या आपको लग रहा है कि हरीश रावत का हटना आपके लिए फायदेमंद? नहीं, देखिए, उत्तराखंड की राजनीति का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 20-21 सालों में जिस तेजी के साथ मुख्यमंत्री बदले हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की एक लंबी चौड़ी फौज उत्तराखंड में खड़ी हो गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके का नेतृत्व परिवर्तन बार बार उत्तराखंड राज्य के हित में नहीं है, और अगर ऐसा होता है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ चैनल ये भी चला रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है और संभवतः वो उपचुनाव की मंजूरी मिल सकती है, और आपके चैनल के माध्यम ये भी चलाया जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे, तो अभी जब तक खबर नहीं आ जाती है ना, गेंद आपके पाले में आ गई, आपका तो फायदा ही फायदा है ना, आपकी तो दसों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। विकास भदौरिया का मैं रुख करना चाहूंगी, हम तो जी प्रदीप जी आऊंगी मैं आपके पास, विकास भदौरिया मैं आपका रुख करना चाहूंगी। प्रदीप विकास, ये भी लगातार विपक्षी दलों के द्वारा सुगबुगाहट थी कि अब अगला निशाना इसी संवैधानिक संकट का देकर ममता बनर्जी हो सकती हैं, तो क्या अब बीजेपी ने, सरकार ने ये एक जिसे कहा जाए कि उदाहरण सेट कर दिया कि देखिए संवैधानिक संकट के चलते हुए हमने अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री हटा दिया, क्या इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए? इससे पहले शोभना मैं आपको बताऊं, विकास आपके पास कुछ बड़ी खबर है, बताइए। रावत इस्तीफा देंगे, और बिल्कुल एक और बड़ी खबर है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने पहले भी ये ब्रेक किया कि तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा पार्टी आला कमान को भेज दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दो पन्ने का उन्होंने एक इस्तीफा लिखकर भेजा है जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से भेजी है। लेकिन विकास, ये इस्तीफा तो गवर्नर को देना होगा ना, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं विकास, तो ये इस्तीफा तो गवर्नर को सौंपा जाएगा ना। शोभना पहले खबर सुन लीजिए, फिर मैं आपको बाकी तकनीकी पहलू बता दूंगा। खबर ये है कि उन्होंने इस्तीफा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखकर भेज दिया है। एक पन्ने का पूरा ये चिट्ठी है जिसमें उन्होंने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 151A का हवाला देते हुए ये लिखा है कि मैं 6 महीने के भीतर दोबारा नहीं चुना जा सकता, ये बाध्यता है संवैधानिक, और इसलिए अब पार्टी के सामने मैं कोई संकट नहीं पैदा करना चाहता और अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आप मुझे अब मेरी जगह किसी नए नेता का चुनाव कर लें। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखकर अपना इस्तीफा देने की बात कह दी है। जो औपचारिकता है वो अब पूरी होगी गवर्नर हाउस पर जाके, गवर्नर हाउस से पर जाएंगे, गवर्नर से टाइम लेंगे, राज्यपाल से समय लेकर वहां पर एक पंक्ति का इन पर्सन इस्तीफा बाद में होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर यह है कि तीरथ सिंह रावत ने अपना एक इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दे दिया है। ठीक है, मेरे साथ रोहित सावल भी बने हुए हैं। रोहित सावल, ये बड़ी खबर अभी विकास भदौरिया ने दी कि बीजेपी अध्यक्ष को तीरथ रावत ने अपना इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन जिस संवैधानिक संकट की बात मैं कर रही थी विकास भदौरिया से कि ममता बनर्जी के ऊपर भी सेम यही संकट है, तो क्या बीजेपी ने आज तीरथ रावत का इस्तीफा लेकर यह उदाहरण सेट कर दिया कि संवैधानिक संकट के चलते विधानसभा की जो सदस्यता है वो 6 महीने के भीतर होनी चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देना होगा? बिल्कुल शोभना, देखिए ये संदेश तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और विकास ने जिस तरह से ये बड़ी खबर बताई, और इस बीच मैं भी आपको बता दूं कि देहरादून से भी बड़ी खबर आ रही है कि राज्यपाल से मिलने का वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मांगा है, ये दूसरी बड़ी खबर है। यानी जिस औपचारिकता की बात विकास कह रहे थे कि पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा तो दे दिया, बता दिया कि ये वजह मैं अब नेता नहीं रह सकता, लेकिन जो औपचारिकता है राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की, उसके लिए वक्त मांग दिया गया है, और जैसे ही राजभवन से वक्त मिलता है उस
उसके तुरंत बाद वो इस्तीफा देंगे। और मैं आपको बता दूं कि राजभवन और मुख्यमंत्री आवास है, हालांकि उसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल आसपास है। लेकिन दूसरी तरफ अभी तीरथ सिंह रावत की अगर बात करें तो किसी भी वक्त उनको, जैसे उनको वक्त मिलेगा, राज गवर्नर हाउस से वो जाएंगे और मुमकिन यही है कि वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। शोभना, रोहित आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप एबीपी गंगा के संपादक हैं, ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम में परिवर्तन आया है, अगला चेहरा, क्योंकि अब सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो उस अगले चेहरे का है, तो किन नामों की चर्चा है, आपके पास क्या जानकारी? देखिए शोभना, अगले चेहरे को लेकर अभी फिलहाल जो चार नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिसकी चर्चा हो रही है, वो चार नाम है। सबसे पहला नाम सतपाल महाराज का नाम है, इसके अलावा हम बात करें तो रेखा खंडूरी का नाम चल रहा है, इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी एक विधायक हैं, उनका नाम चल रहा है, और इसके अलावा धन सिंह रावत है, उनका नाम भी चल रहा है। ये चार नाम है जिनको लेकर चर्चा है, लेकिन देखिए फैसला आला कमान को लेना है और उस पर जो औपचारिकता जो है वो विधायक दल की बैठक में औपचारिकता निभाई जाएगी, लेकिन नाम दिल्ली से तय होगा, उन चार नामों पर चर्चा चल रही है। ठीक है, विकास भदौरिया का मैं रुख करना चाहूंगी। विकास भदौरिया, उत्तराखंड में तीन दिन तक बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चली, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस बैठक का, इस इस्तीफे से कोई कनेक्शन है, जो जमीनी जिसे कहा जाए आकलन किया गया बीजेपी के द्वारा, उसमें ये निकल कर आया कि तीरथ रावत की अध्यक्षता में या उनके मुख्यमंत्री चेहरे के रहते नहीं जीत पाएगी बीजेपी उत्तराखंड में, और इसीलिए ये परिवर्तन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चिंतन बैठक चली थी जिम कॉर्बेट के रिवर व्यू रिट्रीट रिजॉर्ट में, उस बैठक में दुष्यंत गौतम पार्टी के महासचिव और बीएल संतोष केंद्रीय संगठन मंत्री भी मौजूद थे, और तमाम सांसद और विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उस बैठक में, चिंतन बैठक में, आने वाले समय के एजेंडे तय हुए थे, और उसमें से एक एजेंडा प्रधानमंत्री के आने वाले समय में और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठकें भी थी, और साथ ही साथ कोविड काल में कार्यकर्ता कैसे पेनिट्रेट करके गांव-गांव, घर-घर जाएं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं, क्योंकि चुनावी साल है, ये तय हुआ था। उस बैठक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा ना तो एजेंडे में थी, और ना पर वहाँ मौजूद लोग इतने अधिकृत थे इस बात के लिए कि वो मुख्यमंत्री के बदलाव के लिए चर्चा कर पाएं। ये जो बैठक के बाद, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब तीरथ रावत वापस देहरादून पहुंचे जिम कॉर्बेट से, उसके बाद शाम को 7:30 बजे के आसपास फोन करके उनको कहा कि आप दिल्ली आ जाइए, किसी जरूरी विषय पर आपके साथ चर्चा करनी है। इसके बाद रात में ही उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया दिल्ली आने का। अगली सुबह वो दोपहर 12 बजे दिल्ली आ गए थे। दिन भर उन्होंने इंतजार किया। रात 12 बजे के आसपास 11:50 पर वे गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे। वहां पर पहले से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, और वहां तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात हुई। वहां दो बातें तीरथ सिंह रावत ने अपनी तरफ से रखी थी। पहला ये, अगर आपके पास वक्त हो तो बता दूं, पहला ये कि वे जो सुप्रीम कोर्ट का 1995 का जजमेंट है पंजाब को लेकर, जो 2001 में आया था, उसमें मुख्यमंत्री को लेकर नहीं बल्कि विधायकों को लेकर जजमेंट था, मुख्यमंत्री पे वो जजमेंट साइलेंट है, इसलिए मैं आज इस्तीफा देके अगले दिन ओथ ले सकता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि गंगोत्री की जो विधानसभा सीट है वो एक साल पहले खाली हुई है, इसलिए तकनीकी रूप से उस पर चुनाव करवाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे कहा कि हम इस बारे में और डिटेल जानकारी लेके विशेषज्ञों से बात करके आपको बताएंगे, आप इंतजार करिए। कल पूरे दिन तीरथ रावत ने इंतजार किया, उसके बाद उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जरूर दोपहर में बुलाया। दोपहर के बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे। आधे घंटे की मुलाकात हुई। उस आधे घंटे की मुलाकात में उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बताया कि ये संवैधानिक दिक्कत है, लेकिन उससे पहले तीरथ रावत इस विषय को ताड़ गए थे, और वो पत्र लेकर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे, जो उन्होंने वहां पर सौंप दिया, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की बात कही थी। ठीक है, मैं रोहित सावल का रुख करना चाहूंगी। रोहित सावल, आप भी जानते हैं कि ये बहुत आसान आलाकमान के लिए भी नहीं रहा होगा, तीरथ रावत के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की विश्वसनीयता पर भी सवाल जरूर खड़ा होता है लोगों के मन में, जो लोग वोट देते हैं उनके मन में। इस समय इतना बड़ा फैसला अगर बीजेपी ने लिया है, तो अंदर खाने की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है?
देखिए शोभना, अगर बिल्कुल आपने सही कहा कि इतने जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री बदलना, जाहिर सी बात है जो क्रेडिबिलिटी की बात है, लोगों जनता की बात है, वो किसी को ठीक नहीं लगता। लेकिन उत्तराखंड की ये नियति बन चुकी है कि वहां पर जिस तरह से मुख्यमंत्री बदलते रहे, चाहे कांग्रेस की बात हो, आप देखिए बहुगुणा बने, उसके बाद हरीश रावत बने, भारतीय जनता पार्टी में त्रिवेंद्र के बाद अभी तीरथ बने, और इससे पुराना इतिहास भी, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो ये उत्तराखंड की एक नियति बन चुकी है और एक बार फिर से वही स्थिति आन पड़ी है। वहीं अगर अंदर की बात की जाए, देखिए अगर वजहों की बात की जाए, ठीक है, संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है, ये वजह तो बिल्कुल एक दी गई है तकनीकी तौर पर, लेकिन जिस तरह की अपेक्षाएं तीरथ सिंह रावत से पार्टी आला कमान को थी, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। हालांकि उनको वक्त नहीं मिला, 111 दिन में वो खुद कोरोना संक्रमित रहे, 20-22 दिन वो खुद क्वारंटाइन रहे, तो ऐसे में वक्त उनके पास नहीं था। लेकिन फैसले, देखिए हर फैसला सही साबित हो राजनीति में ऐसा भी मुमकिन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश और राष्ट्र नेतृत्व कुछ असहज तो जरूर होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के पास अभी अगले 6 से 7 महीने बाद जनता के पास जाना है, वोट मांगने जाना है, तो जनता को बताना पड़ेगा कि आखिरकार क्या वजह रही, क्योंकि जनता ने तो पूरा मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में, लेकिन उस मैंडेट के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को नेतृत्व नहीं दे पाई उस तरीके का। बिल्कुल रोहित, जो बीते कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के नेताओं के जो बयान आए उत्तराखंड में, चाहे वो सतपाल महाराज के मैं बयान की बात करूं, तीरथ रावत ने भी कई ऐसे बयान दिए जिसको लेकर आलाकमान बहुत असहज हुआ, क्या ये जो बयानबाजी रोकने की बात भी कही गई, ये जो बयान तीरथ रावत ने दिए, क्या उसको आप एक वजह देखते हैं तीरथ रावत के इस्तीफे की? देखिए शोभना, बयानबाजी तो बिल्कुल, देखिए जो बयानबाजी हुई उसने, उस बयानबाजी ने प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व को असहज किया, लेकिन अगर हम यही कहें कि सिर्फ वही बयानबाजी वजह बनी उनका, उनको हटाने की, उनको इस्तीफा देने की, तो ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए कोरोना काल में उत्तराखंड की अगर पूरी मशीनरी की आप बात करें, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात भी कर रहा हूं, तो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी एक वक्त ऐसा आया कि डिफंक नजर आई, वो काम करती हुई नहीं दिखी, उससे राष्ट्रीय नेतृत्व खासा नाराज था कि जब इतने संकट के दौर में ऐसी स्थिति थी, तो ठीक है वो भले ही वो खुद कोरोना संक्रमित थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, लेकिन उनके पास पूरा का पूरा सचिवालय है, उनके पास चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, दूसरे तमाम अधिकारी हैं, जिस तरह से कोविड काल में काम होना चाहिए था वो काम भी नहीं हुआ, तो जो पहले से एक एंटी इनकम्बेंसी चली आ रही थी उसमें वो एक और एड ऑन की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी, तो ऐसे में और उसके बाद अब ये संवैधानिक संकट की बात सामने आई और लोकल स्तर पर इक्वेशन की बात आई, और आपको मैं ये भी बता दूं कि भले ही तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, लेकिन जो प्रदेश के नेता थे उसमें एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से आए हुए नेताओं का है, जो जिनका अपना चेहरा है, अपनी पहचान है, अपने अपने इलाकों में पकड़ रखते हैं, इंडिविजुअल अपने चेहरे पर चुनाव जीतने की कुवत रखते हैं, वो नेता भी कुछ असहज थे, क्योंकि जिस तरह से अचानक दिल्ली से अचानक नाम आता है, नाम को तो सहर्ष स्वीकार कर लिया गया, केंद्र नेतृत्व का फैसला था, लेकिन प्रदेश के जो नेता थे उनमें कहीं ना कहीं रंज था, दिक्कत थी, वो तमाम बातें उन्होंने आलाकमान तक भी लगातार वो पहुंचा रहे थे। रोहित, आपके पास क्या जानकारी है, गवर्नर से किस समय मिल सकते हैं, क्या आज ही रात में ये मुलाकात हो जाएगी या कल के लिए टलेगी ये मुलाकात? देखिए शोभना, मुमकिन है कि आज रात ये मुलाकात हो जाए, क्योंकि देखिए ये एक औपचारिकता है, गवर्नर से वक्त मांगा मुख्यमंत्री ने, तो अमूमन गवर्नर के अगर हम बात करें कि उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं या उनका जो कामकाज है, कि अगर कोई बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल ना हो तो तुरंत अपॉइंटमेंट दे सकते बिल्कुल ठीक है, तो ऐसी स्थिति है, तो ऐसे में मुमकिन है कि आज रात तक ही मुलाकात हो जाए। ठीक है, विकास भदौरिया, आपके पास क्या अपडेट है, कब गवर्नर से मुलाकात हो सकती है और कब विधायक दल की बैठक भी हो सकती है अगला नेता चुनने के लिए? ये देखिए, आज रात में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि रात में वो गवर्नर से मुलाकात कर लें, विधायक का वक्त लग सकता है, हालांकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ये आलाकमान तय करेगा पर्यवेक्षकों के नाम, और उसके बाद विधायक दल की बैठक का समय 1-2 दिन में तय कर लिया जाएगा, तो इसमें 1-2 दिन का वक्त लग सकता है, उस बीच आलाकमान भी पार्टी नेतृत्व भी तमाम लोगों से सलाह मशवरा करके अगले नेता पर एक सहमति बना सकता है जिसका नाम विधायक दल की बैठक में रखा जाए, तो 1-2 दिन का वक्त लग सकता है, अभी ऑन हैंड ये कहना बड़ा मुश्किल है कि विधायक दल की बैठक कब होगी, लेकिन ये बात तय है कि एबीपी न्यूज ही इस खबर को ब्रेक करेगा कि विधायक दल की बैठक कब होगी और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।
बहुत बड़ी खबर, लगातार हम उस पर बने हुए हैं। हमने आपको बताई भी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ रावत अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। गवर्नर से कुछ देर बाद उनकी मुलाकात होगी, जैसे ही उन्हें समय देंगे गवर्नर, और उसके बाद वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। हालांकि राष्ट्रीय बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनको भी इस्तीफा सौंप चुके हैं। संवैधानिक संकट का हवाला दिया गया है। नए मुख्यमंत्री को लेकर चार नामों की चर्चा है, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत समेत चार नाम मुख्यमंत्री की रेस में। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, क्या अपडेट, आप कोई बड़ी खबर दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब जल्द ही राज्यपाल से समय लेंगे। राज्यपाल से समय अभी मिला नहीं है, एक राउंड फोन पर जरूर बात हुई है, लेकिन अभी समय कितने बजे का मिलता है ये उनके तीरथ सिंह रावत के देहरादून लैंड करने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि वे रात में ही राज्यपाल से मिलें और अपना इस्तीफा उनको सौंप दें, लेकिन उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। एक दो दिन के भीतर ही विधायक दल की बैठक होगी, तब तक राज्यपाल उनको पद पर बने रहने के लिए कहेंगे और विधायक दल के की बैठक का दिन तय होते ही, समय और दिनांक तय होते ही, ये भी तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल ठीक है विकास भदौरिया, आप बने रहिए। गुरमीत सप्पल कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरमीत जी, इसको आप अपने लिए एक बहुत बड़ा मौका मान रहे हैं और मौके पर चौका मारने की तैयारी में कांग्रेस अब? नहीं, कांग्रेस मौका नहीं मान रही है, ये बीजेपी की आंतरिक प्रॉब्लम है। लेकिन समझने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम आई क्यों। बार बार मैं आपके चैनल पे देख रहा हूँ कि बीजेपी कह रही है कि तकनीकी कारणों से इस्तीफा हो रहा है। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, उसको पता था पहले से कि क्या तकनीकी कारण है। उनके पास इलेक्शन कमीशन में एक्सेस है, अटॉर्नी जनरल उनको सर्व करते हैं, उनको ये पता था कि स्थिति क्या है। सवाल इस्तीफा उस वजह से नहीं हुआ है, इस्तीफा तो उस दिन तय हो गया था जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मांग की थी कि जो फेक टेस्टिंग हुई थी कोविड की कुंभ के अंदर, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि वो इतना बड़ा केस है जिसकी आंच बीजेपी के टॉप लीडर तक पहुंचती है। वो जो कंपनी मैक्स थी जिसने की फेक टेस्टिंग की थी, उसके जो ओनर हैं शरद पंत, उनकी और नड्डा जी की फोटो लोकल मीडिया में सब छपी है और उनको बचाने के लिए कुर्बानी दी गई है। दूसरी बात, उनकी जो फंक्शनिंग थी सीएम की, वो खुद बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट भी बन रही थी बीजेपी की। समस्या ये है, बिल्कुल ठीक है, मतलब सप्पल साहब आप ये मान रहे हैं कि जो एक घोटाला हुआ उसके चलते उन्हें हटाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।